वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के ऊपर कंटिन्यू है। आज का लेक्चर अच्छे से समझने के लिए पीछे वाला लेक्चर एक बार रिवाइज कर लें, उसको अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि बीच में 4-5 दिन क्लासेस में गैप रहा है और आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स डेट आ चुकी हैं, इसीलिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दें अपने एग्ज़ाम्स की। कोई डाउट हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कांटेक्ट करें कॉलेज में। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कॉर्निबैक्टीरियम के ऊपर आपका लेक्चर है। आज के लेक्चर में आप क्या देखोगे कि उसकी लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस कि क्या क्या होता है पैथोजेनेसिस के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में, उसके कॉर्निबैक्टीरियम क्या क्या कर सकता है, कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकता है, और लैब डायग्नोसिस में यानी उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। और लैब डायग्नोसिस के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, पैथोजेनेसिस क्या है? तो मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, यानी क्या है, किस में डिजीज़ कॉज करता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया? तो मोस्टली क्या है, चिल्ड्रंस के अंदर कॉज करता है, 2 to 4 ईयर्स के। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? तो 3 to 4 डेज होता है। इन्फेक्शन अकर बाय वे ऑफ ड्रॉपलेट स्प्रेड, यानी जैसे कोरोना फैलता है, कोरोना वायरस, उसी तरीके से क्या है, ड्रॉपलेट स्प्रेड से यह भी फैलता है, जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं या फिर एयर्स के द्वारा स्प्रेड होता है, फैलता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में भी फॉलोइंग क्लिनिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन नीचे जो लिखी गई हैं फॉलोइंग साइट्स हैं, जो जगह हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो जैसे फेस के ऊपर यानी फेसियल इन्फेक्शन हो गया, लेरेंजियल यानी आपके लेरिंग्स के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है, नेजल यानी नोज के अंदर, या फिर कंजेक्टाइवल यानी कंजेक्टाइवा के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। ओटाइटिक का मतलब है कि कान से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, ईयर से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, और वल्वोज वेजाइनल मतलब वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है आपके। इसीलिए क्या है कि इन सारी जगह पे ये डिजीज़ कोज कर देता है, और फैलता कैसे, ड्रॉपलेट स्प्रेड से, यानी एक दूसरे से ड्रॉप से या रेस्पिरेशन कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या है, ये एक दूसरे में स्प्रेड हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन किस में होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का? तो चिल्ड्रंस के अंदर होता है, बच्चों के अंदर, 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें इन्फेक्शन कोज होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। तो नेक्स्ट क्या है, आपकी लैब डायग्नोसिस है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, जो अपन समझेंगे कि किस तरीके से ये डिजीज़ कोज करता है, यानी किस तरीके से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन से मेथड हैं। तो कंसिस्ट ऑफ आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट टॉक्सिसिटी बाय वायरुलेंस टेस्ट, यानी क्या है कि ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं अपन कल्चर के द्वारा, एक तो कल्चर के द्वारा लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि इसके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं वायरुलेंस टेस्ट के द्वारा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, कल्चर के द्वारा कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन में देखिए कि 2 स्वैब फ्रॉम द लीजन आर कलेक्टेड, 1 इज यूज फॉर स्मियर एग्जामिनेशन एंड अदर फॉर कल्चर, यानी अपन 2 स्वैब कलेक्ट करते हैं लीजन से, घाव से, जिस जगह कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हो वहाँ से। और क्या है कि एक जो स्वैब है उसको किस चीज़ के लिए काम मिलेंगे, स्मियर एग्जामिनेशन के अंदर, यानी डायरेक्ट स्मियर बना के उसके एग्जामिनेशन करेंगे, और दूसरा किस चीज़ के लिए काम मिलेंगे, कल्चर के लिए। तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी लैब डायग्नोसिस के अंदर, तो स्मियर आर स्टेन बोथ ग्राम एंड एल्बर्ट स्टेन, यानी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में दो स्मियर बनाते हैं अपन, जिससे क्या है कि एक से तो क्या करते हैं अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करते हैं यानी ग्राम स्टेन से, और दूसरा एल्बर्ट स्टेन से। तो एल्बर्ट स्टेन से देखिए कि डिप्थीरिया बेसिलाई शो बीडेड सिलेंडर ग्रीन रोल्स, यानी डिप्थीरिया जो बेसिलाई आपको कैसा दिखाई देगा कि सिलेंडर शेप का दिखाई देगा, बीडेड यानी माला जैसा, और ग्रीन रोल्स में दिखाई देगा, और टिपिकली चाइनीज लेटर पैटर्न में दिखाई देगा, यानी चाइनीज जो लेटर्स होते हैं V और L जो शेप होती है उस शेप में दिखाई देगा। ग्रीन बेसिलाई विद ब्लू ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, यानी बेसिलाई तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वो आपको कैसी दिखाई देगी, ब्लू इज ब्लैक कलर की, यानी डार्क ब्लैक कलर की दिखाई देंगी।
तो लैब डायग्नोसिस में दो प्रकार की डायग्नोसिस है, एक तो वायरस को आइसोलेट करते हैं और दूसरा इसका टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं, यानी वायरुलेंस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आइसोलेशन है कल्चर के द्वारा, जिसमें सैंपल कलेक्शन कैसे होता है, दो स्वैब कलेक्ट करते हैं लीजन से, जिसमें एक तो स्मियर एग्जामिनेशन के लिए और दूसरा कल्चर के लिए। और डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं कि दो स्मियर बनाते हैं, ठीक, एक तो एल्बर्ट स्टेन से स्टेन करके और दूसरा ग्राम स्टेन से। एल्बर्ट स्टेन में बेसिलाई कैसा दिखाई देता है आपको, ग्रीन कलर का, और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ब्लूइश ब्लैक। ग्राम स्टेन में कैसा दिखाई देता है, इट इज़ डन टू आइडेंटिफाई इंसिडेंस स्पायरोकीट्स एंड फ्यूजीफॉर्म बेसिलाई, यानी ये क्या है, स्पायरोकीट्स को और फ्यूजीफॉर्म बेसिलाई को आइसोलेट करने के लिए, उनका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं अपन ग्राम स्टेनिंग। और जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है वो कैसा बैक्टीरिया होता है, तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, यानी पॉजिटिव कलर। तो ग्राम स्टेनिंग में कैसे दिखाई देगा आपको, पॉजिटिव दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या है, कल्चर, जो आपने पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, तो पूरा का पूरा कल्चर द्वारा लिखना है लैब डायग्नोसिस में। कल्चर कैसा होता है, कल्चर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया रिक्वायर्स एनरिच्ड मीडिया फॉर द ग्रोथ, यानी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रोथ के लिए एनरिच्ड मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रेडियली ग्रो करता है किसके अंदर, एनरिच्ड मीडिया पे, यानी ऐसे कल्चर मीडिया जिसमें जो ब्लड सीरम या एग से बना हो। और कॉमनली लोफर सीरम स्लोप या टेलोराइट ब्लड एगार मीडियम को अपन यूज़ करते हैं कल्चिवेशन के लिए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अंदर, यानी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए या तो लोफर सीरम स्लोप या फिर टेलोराइट ब्लड एगार को अपन काम में लेते हैं। आल्सो ऑर्डिनरी मीडिया पे भी ग्रोथ करता है न्यूट्रिएंट एगार पे, लेकिन क्या है, यहाँ पे स्केंटी ग्रोथ होती है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की, बहुत ही कम। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो 37 डिग्री के ऊपर ग्रोथ करता है अच्छे तरीके से, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बॉडी पे ही ग्रोथ करता है, ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन करता है, इसीलिए टेम्परेचर कितना है इसका, 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एनरिच्ड मीडिया पे अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। पूरे कल्चर्स आपने पढ़े हैं, तो एनरिच्ड मीडिया में क्या क्या होता है, जैसे ब्लड एगार से हो गया या फिर सीरम से बन गया या एग से बन गया, यानी जो प्रोटीन प्रोवाइड करवाए उन डाइट्स के ऊपर क्या है ये ग्रोथ करता है उन कंटेंट से। और कल्चर मीडिया कौन से काम में लेते हैं, लोफर सीरम स्लोप और ब्लड एगार ज़्यादातर अपन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए काम में लेते हैं। लैब के अंदर रूटीनली इन दोनों को ही मोस्टली प्रेफर किया जाता है। और क्या है, ऑप्टिमम पीएच कितनी रहती है, 7.4 टू 7.6 रहती है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, और फैकल्टेटिव एनएरोब भी होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर लेता है। मीडिया फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन से मीडिया काम में लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट एगार मीडियम काम में लेते हैं, टेलोराइट ब्लड एगार मीडियम काम में लेते हैं जो कि एक सिलेक्टिव मीडिया है, प्रैक्टिकल्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, लोफर सीरम स्लोप को काम में लेते हैं और हिज सीरम वाटर को काम में लेते हैं। तो ये सारे क्या हैं, कल्चर मीडियाज हैं जो अपन क्या है काम में लेते हैं, किसको, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लैब डायग्नोसिस में यही काम में लेते हैं ये सारे मीडियाज। मोस्टली टेलोराइट ब्लड एगार मीडियम काम में लेते हैं जो क्या है, सिलेक्टिव मीडियम है। नेक्स्ट क्या है, कॉलोनीज कैसी होती है अलग अलग, तो हीज सीरम वाटर के ऊपर कैसी कॉलोनीज होती है, तो लिक्विड मीडिया है जिसके अंदर सीरम प्रेजेंट रहता है, और ग्रोथ इज सीन एज टर्बिडिटी यानी क्या है, गंदलापन दिखाई देता है, पेलिकल फॉर्मेशन दिखाई देता है आपको। लोफर सीरम स्लोप के ऊपर कैसी ग्रोथ दिखाई देती है, तो कॉलोनीज आर स्मॉल सर्क्यूलर वाइट और क्रीमी एंड ग्लिस्टेनिंग, यानी कॉलोनीज आपको स्मॉल दिखाई देती है, सर्क्यूलर दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है, और क्रीमी और ग्लिस्टेनिंग यानी चमकदार दिखाई देती है। टेलोराइट ब्लड एगार के ऊपर कैसी दिखाई देती है, तो एक्ट एज ए सिलेक्टिव मीडियम यानी सिलेक्टिव मीडियम के रूप में काम में लेता है, और प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम टेलोराइट। और सिलेक्टिव मीडिया क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, टेलोराइट ब्लड एगार के अंदर पोटेशियम टेलोराइट प्रेजेंट रहता है।
तो ये सारे मीडियाज अपन क्या है उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए काम में लेते हैं। ये सीरम वाटर, लोफर सीरम स्लोप और टेलोराइड ब्लड एगार, ये कॉलोनीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन से मीडिया पे कैसी कॉलोनीज शो करता है। और लैब डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट है बैक्टीरियोलॉजी में, हर बैक्टीरिया की। तो टीबीए के अंदर देखिए कैसी कॉलोनीज होती है। तो द कॉलोनीज आर ग्रे एंड ब्लू ड्यू टू रिडक्शन ऑफ पोटेशियम टेलोराइड टू टेल्यूरियम, यानी कॉलोनीज आपको ग्रे या ब्लैक कलर की दिखाई देती है क्योंकि पोटेशियम टेलोराइड का रिडक्शन होता है, वो टूट जाता है किसमें, टेलोरियम में। बेस्ड ऑन कॉलोनीज मॉर्फोलॉजी इन टीबीए थ्री मैन बायोटाइप्स ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, यानी क्या है उसकी कॉलोनीज के बेस पे, टीबीए के ऊपर जो कॉलोनीज बनती है उनके बेस पे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को तीन सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेविस, इंटरमीडियस और माइटिस। ग्राम स्टेन में क्या शो करता है, तो इट्स डन टू आइडेंटिफाई इंसिडेंट स्पायरोकिट्स एंड फ्यूजीफॉर्म बेसिलाई, यानी ये क्या है कि अपन स्पायरोकिट्स को और फ्यूजीफॉर्म बेसिलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, एल्बर्ट स्टेन आपको पीछे करवाई हुई है वही द्वारा लिखना है। और द्वारा जो अपन कल्चर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें ग्राम स्टेनिंग और अल्बर्ट स्टेन को द्वारा करके चेक करके देखते हैं, इसीलिए क्या है द्वारा यहाँ पे लिखवाई गई है। तो ये क्या है सारे कल्चर से। नेक्स्ट क्या है, वायरुलेंस टेस्ट है। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से वायरुलेंस टेस्ट से शॉर्टली भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि वायरुलेंस टेस्ट क्या होता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है इसीलिए क्योंकि जिसमें टॉक्सिसिटी चेक करते हैं अपन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की कि उसके टॉक्सिन्स कितने पावरफुल हैं और उसके टॉक्सिन्स रिलीज हुए या नहीं हुए, यानी डिप्थीरिया जो है टॉक्सीजेनिक है या नॉन टॉक्सीजेनिक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए अपन क्या करके देखते हैं, वायरुलेंस टेस्ट चेक करके देखते हैं, ये वायरुलेंस टेस्ट को डन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन देखिए। तो हीज सीरम वाटर इज यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए अपन हीज सीरम वाटर को काम में लेते हैं, यानी हीज सीरम वाटर के ऊपर जो ग्रोथ्स होती है बैक्टीरिया की उसको चेक करके देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, बायोकेमिकल रिएक्शंस को एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वायरुलेंस टेस्ट। तो दीज टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन बाय बैक्टीरियल आइसोलेटेड ऑन कल्चर, यानी ये टेस्ट क्या है डिमॉन्स्ट्रेशन करता है कि बैक्टीरिया ने एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट किया या नहीं किया, और किसके ऊपर करके देखते हैं वायरुलेंस, जो कल्चर प्लेट के ऊपर जो ग्रोथ होती है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की उनके ऊपर करके देखते हैं। वायरुलेंस टेस्ट में बी डन इन बाय इन विवो एंड इन विट्रो मेथड, यानी जो वायरुलेंस टेस्ट है वो दो मेथड से चेक किया जाता है, एक तो इन विवो और दूसरा इन विट्रो। सबसे पहले क्या है इन विवो, तो टू टाइप्स ऑफ टेस्ट आर यूज इन विवो, कैसे दो प्रकार के टेस्ट करके देखते हैं अपन, एक तो सबक्यूटेनियस और एक इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है सबक्यूटेनियस टेस्ट है। तो द ग्रोथ फ्रॉम एन ओवरनाइट कल्चर ऑन लोफर सीरम स्लोप इज इमल्सिफाई इन 2 to 5 ml ब्रोथ, यानी सबसे पहले क्या करना है कि आपको ग्रोथ को उठा लेना है, यानी लोफर सीरम स्लोप कल्चर मीडिया पे जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की उसको लेना है और उसको इमल्सिफाई यानी मिक्स करना है किसके अंदर, 2 to 5 ml ब्रोथ के अंदर एंड 0.8 ml, और उसके अंदर से क्या है जो ग्रोथ मिक्स की है उसके अंदर से 0.8 ml क्या लेना है
इमल्सन लेना है, दिस इमल्सन इज इंजेक्टेड, यानी इंजेक्ट कर देना है इंजेक्शन से किसके अंदर, सबक्यूटेनियसली इनटू टू जीनिया पिग, यानी क्या है आपको सबक्यूटेनियसली यानी सुपरफिशियल स्किन के ऊपर टू जीनिया पिग यानी दो चूहों के अंदर, ठीक है आपको ये जो कॉलोनीज थी ये जो ग्रोथ है वो सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर देनी है ताकि वायरुलेंस को टेस्ट किया जा सके। जीनिया पिग यानी दो चूहे हैं, उनकी चूहों की अलग अलग प्रजाति होती है, तो जीनिया पिग में इंजेक्ट करना है आपको। क्या चीज़ ग्रोथ क्या इंजेक्ट करना है, इमल्सन। इमल्सन किससे बनाए, कि लोफर सीरम स्लॉप से तो कॉलोनी लिया है और 2 to 5 ml ब्रोथ लिया है, उन दोनों को मिक्स किया है, मिक्स करके 0.8 ml इमल्सन दोनों चूहों में इंजेक्ट कर दिया ट्रूजीनिया पिग्स में सबक्यूटेनियसली यानी सुपरफिशियल स्किन के अंदर। तो वायरुलेंस टेस्ट क्या है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है, दो प्रकार का होता है, इन वीवो और इन विट्रो। इन वीवो यानी बाहर की तरफ एक तरीके से, इन विट्रो अंदर की तरफ। और इन वीवो में फिर दो मेथड होते हैं, एक तो कैसा इंट्राक्यूटेनियस और एक क्या हो सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ विच हैज रिसीव्ड एन इंट्रामस्क्यूलर ऑफ 5500 यूनिट्स डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन 18 to 24 hours प्रीवियसली, जिसके अंदर से एक चूहे के अंदर आपने क्या है 500 यूनिट जो है किसकी, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की, यानी जो टॉक्सिन्स की जो पावर है उसको कम कर दे, एंटीटॉक्सिन यानी एंटीबॉडीज इंजेक्ट करवा देनी आपको 18 से 24 घंटे पहले। इफ़ द स्ट्रेन इज वायरुलेंस द अनप्रोटेक्टेड एनिमल डाई विद इन 2 to 3 days ड्यू टू हिमोरेज इन टू द एड्रिनल ग्लैंड। अगर स्ट्रेन क्या है वायरुलेंस है टॉक्सिड है, तो जो अनप्रोटेक्टेड यानी ऐसा जो जीनिया पिग है जिसमें आपने एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट नहीं करवाया वो क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी 2 to 3 days में, क्योंकि उसके अंदर हिमोरेज हो जाएगा किसमें, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट टाइप क्या है, इंट्राक्यूटेनियस टेस्ट। तो 0.1 ml इमल्सन फ्रॉम ब्रोथ ऑन लोफर सीरम स्लोप आर इंजेक्टेड इंट्राक्यूटेनियसली इन टू टू जीनिया पिग, यानी आपको 0.1 ml इमल्सन लेना है ब्रोथ से और लोफर सीरम स्लोप से और वो दो चूहों में इंजेक्ट करना है आपको, कैसे इंट्राक्यूटेनियसली यानी अंदर की तरफ स्किन के अंदर जीनिया पिग में डीप साइड में। वन ऑफ दीज एनिमल इज प्रोटेक्टेड विद 500 यूनिट एंटीटॉक्सिन, जिसके अंदर से एक चूहा जो है एक एनिमल जो है जीनिया पिग वो प्रोटेक्टेड है यानी उसमें एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया है आपने द प्रीवियसली यानी पहले से, एंड द अदर इज गिवन 50 यूनिट्स ऑफ द एंटीटॉक्सिन, और दूसरे को क्या है आपने 50 यूनिट एंटीटॉक्सिन दिया है इंट्रापेरिटोनियली यानी पेरिटोनियम के अंदर 4 hours आफ्टर द स्किन टेस्ट, यानी स्किन टेस्ट के 4 घंटे बाद। तो इंट्राक्यूटेनियसली के अंदर क्या करना है, दो चूहे लेने हैं वही सेम, उन दोनों में 0.11 ml इंजेक्ट करना है इमल्सन, जिनके अंदर से एक चूहा तो पहले से प्रोटेक्टेड है एक जीनिया पिग, तो जो क्या है आपने इंजेक्ट करने से पहले इमल्सन इंजेक्ट करने से पहले उसको प्रोटेक्ट कर दिया, एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड करवा दिया है 500 यूनिट, और दूसरा क्या है एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करवाने के 4 घंटे बाद, सॉरी इमल्सन इंजेक्ट करवाने के बाद 4 घंटे बाद उसमें 50 यूनिट इंजेक्ट करवाइए। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेथ यानी दूसरे चूहे को बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं अपन 50 यूनिट्स क्या इंजेक्ट करवाते हैं एंटीटॉक्सिन। इफ द स्ट्रेन इज टॉक्सीजेनिक द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एट द साइड ऑफ इंजेक्शन, अगर प्रजाति टॉक्सीजेनिक होगी तो क्या है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगी इंजेक्शन के साइड पे, प्रोग्रेस टू नेक्रोसिस यानी नेक्रोसिस के कारण इन 48 to 72 hours यानी 48 से 72 घंटे के अंदर। इन द टेस्ट एनिमल बट देयर इज नो चेंजेस, और यहाँ पे जो टेस्ट एनिमल है जिसमें पहले से आपने इंजेक्ट करवाया है एंटीटॉक्सिन उस पर कोई चेंजेस नहीं होगा, जिसमें 50 ml इंजेक्ट करवाया है एंटीटॉक्सिन यानी 4 घंटे बाद उसमें क्या होगा कि उसमें नेक्रोसिस होगी, और नेक्रोसिस होगी इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन जो है प्रजाति जो है पर्टिकुलर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वो कैसी है टॉक्सीजेनिक है यानी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही है वो। नेक्स्ट देखिए इन विट्रो, तो इन विट्रो के लिए अपन क्या करते हैं एलिक जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट करते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है ठीक है, आप गूगल से सर्च कर सकते हो अगर इसको पढ़ना चाहो तो, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करवाते हैं। प्रोफाइलेक्सिस क्या है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से बचने के लिए, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज स्टार्टेड एट 6 weeks ऑफ एज बाय टॉक्सोइड इनक्यूबेशन,
यानी एक्टिव इम्यूनिटी के लिए इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं अपन, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 वीक का जो बच्चा है, चिल्ड्रन है उसके अंदर, ठीक है। टॉक्सॉइड इंक्यूबेशन विद अ टिटेनियस टॉक्सॉइड एंड परफ्यूजिस वैक्सीन, यानी पहले से ही क्या है कि 6 सप्ताह के बच्चे में जो इंजेक्शंस लगते हैं छोटे बच्चों में, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं आजकल, यानी पहले से ही उसमें क्या है कि इसका टॉक्सॉइड इंटर करवा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती है चिल्ड्रन के अंदर, जैसे DPT हो गया है, ट्रिपल वैक्सीन होगी, तो ये क्या है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनाइजेशन, तो दिस इज एन एमरजेंसी, ये क्या है एमरजेंसी के केस में अपन करते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। मीजर विहन ससेप्टिबल पर्सन आर एक्सपोज टू इन्फेक्शन, कब करते हैं, जब कोई ससेप्टिबल यानी संवेदनशील व्यक्ति किसके संपर्क में आ जाए इन्फेक्शन के। एज विहन एज ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज एडमिटेड टू पेडाइट्रिक वार्ड, फिर क्या है उसको किस में ऐड करते हैं अपन, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ है पर्सन को तो पेडियाट्रिक वार्ड के अंदर एडमिट करते हैं। इन सच केस, ऐसी कंडीशन के अंदर 500 टू 1000 यूनिट्स ऑफ एंटीटॉक्सिन, यानी 500 से 1000 जो यूनिट एंटीटॉक्सिन की, जो एंटी डिप्थीरिया टॉक्सिन है या एंटी डिप्थीरिया सीरम है या ADH है, एंटी डिप्थीरिया जो टॉक्सिन है उसको एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं पर्सन के अंदर सबक्यूटेनियसली। यानी क्या है पैसिव इम्यूनाइजेशन तो कब करते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद, और एक्टिव इम्यूनाइजेशन यानी बच्चों में शुरू से जन्म से स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि उनको क्या है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। यानी 6 वीक के जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि टॉक्सॉइड इंक्यूबेशन शुरू कर दिया जाता है, यानी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का कोई पार्टिकल, कोई टॉक्सिन इंजेक्ट करवा देते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या है बच्चे में एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो जाती हैं और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये क्या है प्रोफाइलेक्सिस। नेक्स्ट है सिक टेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अंदर, 10 नंबर में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिस टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इम्यूनिटी और ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पर्सन, यानी ये जो टेस्ट है वो क्या है पर्सन की इम्यूनिटी और वो कितना ससेप्टिबल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बैक्टीरिया के लिए उसको चेक करता है। इज वन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, और ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट का एग्जाम्पल है, यानी टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन का। मेथड क्या है, तो ए टेस्ट डोज ऑफ 0.2 ml डिप्थीरिया टॉक्सिन इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली ऑन 1 forearm, यानी किसी पर्सन में 0.2 ml डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन है वो इंजेक्ट करवा देना उसकी forearm यानी बाजू के अंदर, एंड सिमिलर अमाउंट ऑफ इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, और इसी का सिमिलर अमाउंट इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यानी ऐसा टॉक्सिन जो इन्फेक्शन कोज ना कर सके वो इंजेक्ट करवाना है दूसरे forearm पे यानी दूसरी भुजा पे। रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट आर रीड आफ्टर 1, 4 and 7 days, यानी आपको 1 से 7 दिन में रिजल्ट नोट करना है इसका। देयर में भी 4 types ऑफ रिएक्शन, यानी सिक टेस्ट में 4 प्रकार के रिएक्शंस पॉसिबल है, 4 प्रकार के रिएक्शंस हो सकती हैं, यानी 4 प्रकार के रिजल्ट हो सकते हैं। तो सिक टेस्ट क्या है कि इम्यूनिटी यानी उसका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा है और उस पर्सन की ससेप्टिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए, और ये टॉक्सिन्स और एंटीटॉक्सिन टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट की forearm यानी बाजू के अंदर, एक भुजा के अंदर तो एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं 0.2 ml और दूसरी भुजा के अंदर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे क्या है उसका रिजल्ट चेक करते हैं, और रिजल्ट 1 से 4 और 7 दिन में चेक करते हैं, 4 प्रकार के रिजल्ट आते हैं। यानी एक के अंदर तो क्या है इन्फेक्शन हो जाएगा, एक के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा, उस तरीके से क्या है कि उसकी ससेप्टिबिलिटी को चेक किया जाता है सिक टेस्ट के द्वारा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो 4 अलग अलग रिएक्शंस कौन सी है उसकी वो देखिए आगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव रिएक्शन, एन एरिया ऑफ स्वेलिंग एंड एरिथ्रमा अपीयर एट द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन आफ्टर 24 to 48 hours, यानी जो एरिया है जिस जगह आपने इंजेक्शन इंजेक्ट किया है वहाँ पे क्या है स्वेलिंग आ जाएगी, एरिथ्रमा यानी सूजन आ जाएगी, एरिथ्रोसाइट्स इंजेक्ट हो जाएगी, अपीयर
आपको सूजन दिखाई देगी कहाँ पे, जहाँ पे आपने टॉक्सिन इंजेक्ट किया है। पॉजिटिव रिएक्शन कितने घंटे बाद? 24 से 48 घंटे बाद। द कंट्रोल फोर आर्म यानी जिसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट किया था विद हीटेड टॉक्सिन विल शो नो रिएक्शन। और कंट्रोल फोर आर्म में यानी जिसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट किया था वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ए पॉजिटिव टेस्ट सिग्निफाइज दैट द पर्सन इज ससेप्टिबल टू डिप्थीरिया। और पॉजिटिव टेस्ट क्या साइन करता है कि पर्सन क्या है, ससेप्टिबल है किसके लिए? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। आइदर अब्सेंस ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीटॉक्सिन। और किस कारण से ससेप्टिबल है कि उसके अंदर क्या है कि उसके सर्कुलेशन में एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट नहीं है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया का। नेक्स्ट है नेगेटिव रिएक्शन। तो देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी रिएक्शन आइदर फोर आर्म यानी क्या है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी दोनों भुजाओं पे, ना तो उस पे होगी जहाँ पे एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट किया है, ना ही इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन वाली भुजा पे। इट इंडिकेट दैट द टॉक्सिन हैज़ बीन न्यूट्रलाइज बाय सफिशियंट अमाउंट ऑफ एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट इन ब्लड। ये क्या इंडिकेट करता है नेगेटिव रिएक्शन में कि जो पर्सन के सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर जो एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है उसने क्या कर दिया कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी उसके जो पावर है उसको इफेक्ट लेस कर दिया, वो पावरफुल नहीं रहा, वो इतना मतलब कि कोई इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता, यानी पर्सन ससेप्टिबल नहीं है नेगेटिव रिएक्शन में। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन होगी, दो रिएक्शंस और हैं जो आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। अभी थोड़ा सिलेबस आपको फास्ट करवा दिया क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेट्स एग्ज़ाम फॉर्म डेट्स आ चुकी हैं, तो आपके अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर एग्ज़ाम हो जाएंगे इसीलिए। और जितना करवाया गया आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है और नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्या है, दो रिएक्शंस और बची हैं उनको भी डिस्कस कर लें। तो देखिए कि स्यूडो रिएक्शन, इसमें देखिए देयर इज एरिथ्रमा अकरिंग इन बोथ फोर आर्म यानी यहाँ पे दोनों जगह स्वेलिंग आ जाती है दोनों फोर आर्म्स पे दोनों भुजाओं पे विद इन 6 to 24 आवर यानी 6 से 24 घंटे के अंदर एंड डिसअपियरिंग कम्प्लीटली विद बोथ फोर आर्म विद इन 4 डेज। और 4 दिन के अंदर ये जो एरिथ्रमा है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी नहीं दिखाई देती है आपको। दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, दैट द इंडिविजुअल इज इम्यून टू डिप्थीरिया यानी क्या है कि जो संवेदी है यानी क्या है पर्सन ससेप्टिबल है डिप्थीरिया के लिए एंड ही इज आल्सो हाइपर सेंसिटिव और वो क्या है ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है टू द कंपोनेंट ऑफ डिप्थीरिया बेसिलाई यानी डिप्थीरिया बेसिलाई के लिए, लेकिन उसमें एंटीटॉक्सिन्स भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कंबाइंड रिएक्शन। तो द इनिशियल रिएक्शन इज सिमिलर टू स्यूडो रिएक्शन यानी ये रिएक्शन जो है वो इनिशियल रिएक्शन होती है स्यूडो रिएक्शंस के जैसी होती है। एरिथ्रमा डिसपियर इन द कंट्रोल फोर आर्म, यहाँ पे क्या होता है कि एरिथ्रमा यानी ये जो स्वेलिंग है वो फोर आर्म पे तो क्या है जिस जगह इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट करवाया उस जगह तो क्या हो जाती है डिसअपियर हो जाती है विद इन 4 डेज यानी 4 दिन के अंदर। बट इट प्रोग्रेस इन द टेस्ट फोर आर्म और जिस जगह पे एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट करवाया टेस्ट फोर आर्म पे क्या है कि यहाँ पे एरिथ्रमा डिसअपियर नहीं होती यानी स्वेलिंग बढ़ती जाती है टू बी ए टिपिकल पॉजिटिव रिएक्शन यानी जैसे कोई पॉजिटिव रिएक्शन हुई हो। तो ये क्या है सारी रिएक्शंस है, पॉजिटिव रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन, स्यूडो रिएक्शन और कंबाइंड रिएक्शन। स्यूडो रिएक्शन में तो एक बार एरिथ्रमा आती है वो डिसअपियर हो जाती है दोनों आर्म पे, लेकिन कंबाइंड रिएक्शन में स्वेलिंग तो दोनों जगह आती है लेकिन कंट्रोल फोर आर्म में तो डिसअपियर हो जाती है 4 दिन में, लेकिन क्या है कि टेस्ट फोर आर्म जहाँ पे एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंजेक्ट करवाए वहाँ पे वो डिसअपियर नहीं होती। तो ये सारी रिएक्शंस है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिक टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा इसको। और अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से, हिस्टोपैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से
कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और दो एग्ज़ाम से पहले इनका 2-3 बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा? तो नेक्स्ट लेक्चर आपका एस्चेरिया कोलाई के ऊपर होगा, जो एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी यानी पैथोजेनेसिस, कल्चर्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, लैब डायग्नोसिस होता क्या है, मतलब सारी चीज़ें। थैंक्स टू ऑल।